दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल रात 10:27 पर राहुल केवट ढाबा वाला है दतिया मध्य प्रदेश से आपका फ़ोन आया मेरे पास। मेरे माध्यम से वो कहना चाहता है कि इस तरीके से जो चैनलों का जो प्रचार हो रहा है, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जो इस तरीके से छिटाकसी हो रही, टिप्पणियाँ हो रही हैं, उसे पसंद नहीं था। उसने मेरे से बात की, काफ़ी आवेशपूर्ण बात की, लेकिन मैं उसे संस्कार ही मानूंगा कि बाद में जब मैंने उसको समझाया कि पत्रकार से इस तरीके से बात नहीं की जाती है, तो उसने अपने गुरु जी की खूबियाँ बताते हुए अपनी गलती के लिए, अपने आवेशपूर्ण बोले गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगी। उससे जो बातचीत हुई थी उसके कुछ अंश आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो बात अपने रखना चाहता है कि किसी भी गुरु के लिए या इस तरीके से टिप्पणियाँ बंद की जाएं, वो क्या कुछ कहना चाहता है, आइए सुनते हैं। कि ये कहना चाहता हूँ कि शक्तिपुत्र जी महाराज और कंडोकर धाम से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, मैं उनको एक भाई मानता हूँ अपना। दोनों तरफ से जो भी अपनी बात रखना चाहता है उसके लिए एम टू इंडिया न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक समाचार पत्र स्वागत करता है। अपनी बात रख सकते हैं लेकिन शालीनता के साथ, ये कोई युद्ध नहीं है, आराम से विचारों का की लड़ाई है। विचारों में हो सकता है कि मतभेद हो सकता है विचारों में, लेकिन शालीनता के साथ, अपनी शिष्यता के साथ अपने विचारों को रखें, उस चीज़ को अवश्य चलाया जाएगा। और हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं जो गुमराह लोग हैं, जो चीज़ें लोगों में आती हैं, अपने हो सकता है कि मन के कोई बात हो, किसी के अंदर ऐसी बात कोई आ जाए जो दूसरे के लिए हितकर हो, तो इसलिए रखा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। यहाँ पर कोई भी किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है, निष्पक्ष तरीके से बात रखी जाएगी। निष्पक्ष तरीके से आप अपनी बात रखें, उसके लिए आपका स्वागत है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए भैया। राहुल केवट। हाँ जी भैया बोलिए। ऐसा है, पत्रकारों का किसी से कोई झगड़ा नहीं होता। ओके भाई, मेरे को नहीं चाहिए, सुनिए, हमें ना कोई शक्तिपुत्र महाराज से मतलब है, ना कंडोकर दरबार से। सब लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर जो फोन करता है उसकी बात को कटोरी में रखी जाती है। भैया ओके, सॉरी, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांग सकता हूँ भैया, चरण छू के माफी मांग सकता हूँ भाई मेरी। राहुल केवट है, भैया केवट। हाँ, जो आपको बात रखनी है शालीनता रखिए, लेकिन जिस तरीके से बात करते हो वो तरीका गलत। ओके मेरे भाई, ओके भैया, मैं चरण छू के नमस्कार करता हूँ, मेरे बड़े भैया है, कोई बात नहीं। जय श्री राम। ठीक, जय श्री राम। बोलिए भैया। उसके पक्ष में जो आपको बात रखनी है बात रखिए, वो चीज चलाई जाएगी। हमें क्या बुराई है भाई, हमें पंडोकर महाराज जो है भाई, हम वहाँ भी प्रणाम कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों जगह पहुंचे हैं, और जो भी धर्म वाले हैं मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मैं पंडोकरी का हूँ, वो पंडोकर में मेरा बच्चा बच्चा कह सकता है, दावा के साथ ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं, आपकी बात भी चलाई जाएगी। नहीं, हर महीने तो भाई मैं देखता हूँ यार, सही बात है, बाबा जी जो जाते हैं हर महीने तो उल्टा सीधा बोलते हैं यार, दरबार की ओर से चार लोगों का नहीं। यहाँ तो जो भी भाव रखना चाहता है उसके लिए वेलकम है। ठीक है भैया, तो मैं यूँ चाहता हूँ भाई, मेरी मैं भी रख सकता हूँ, कोई बात नहीं है। आप वहाँ पंडोकर में रहते हैं हम, हाँ वहाँ के बारे में बताएं भाई, हम नहीं गए हैं, कम से कम कुछ जानकारियाँ हो जाएंगी हमारे माध्यम से, अन्य लोगों से बात तो नहीं जाएगी, इस शहर के माध्यम से नए लोग भी जो नहीं गए हैं उनको जानकारियाँ हो जाएंगी। ओके, कुछ विशेष चीजें जो है बताइए, सबके सामने वो अच्छी रखी जाए, लेकिन इस तरीके से आरोप करोगे तो ना हमारा कुछ कर पाओगे ना, कोई मतलब है नहीं। ये चैनल जो चला रहा है तो उसका कोई बैकअप होता है, ठीक है ना राहुल जी। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा नहीं है बड़े भाइयों से मेरे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को विश्वास नहीं हो यहाँ पर,
नहीं हो तो मैं उनको बाबा जैसे भाई जी बताइए, आप अपना अनुभव बताइए भाई। देखो अब अच्छे ढंग से शालीनता से बात रखेंगे तो इस बात को लोग सुनेंगे और जितना और भी लोग आए ना उठा पाए। नहीं नहीं चौधरी तो आदमी मेरे से जुड़ जाता है भाई, कैसे जुड़ जाता है भाई? यहाँ का नियम 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 कम है, अगर नियम कम पूरा करे तो काम होगा। आप सुनकर तो पाप से घमंड से आओ तो नहीं होगा यहाँ। घमंड पाप से तो सभी बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी एक घमंड से बिल्कुल बोल रहे हैं। सुझाव मैं भी कह रहा हूँ आपसे, लेकिन भाई फंडा मतलब पत्रकार किसी का पक्षधर नहीं होता है लेकिन भाई मेरे हनुमान जी है, अतिवन महाराज है यार, बहुत बड़े देवता है यार। ठीक है, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं, प्रणाम तो निवेदन करते हैं। भाई मेरे ऐसा गलत सा मतलब नहीं डालो। हम गलत ऐसा है कि यहाँ पर बुरा लगता है हनुमान जी, यहाँ के पंडो पर सरकार ठीक है, तुम पांडवा सरकार कह रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन पंडवा सरकार है कौन यहाँ? हनुमान हनुमान जी की पूजा करते हैं सुबह शाम, मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता हूँ, और हमारा कोई विरोध ही नहीं है। नहीं, वो तो संगठन के लोग हैं, आप सुनो मेरी बात, जननी को सलाम प्रणाम करते हैं, होना चाहिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप तरीका ये होता है किसी चैनल के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से आपको अपनी बात रखनी है तो शालीनता से बात रखिए, लोगों को सामने रखी जाएगी। वाले नहीं है, आपको भी परीक्षा लेना हो तो भाई मेरे से राहुल केवल ढावा के नाम से हमें कोई परीक्षा लेनी है, मेरे से क्या करे, हमें परीक्षा लेनी होगी, हम घर में ही अपना निवेदन कर लेते हैं। तो यार भाई परीक्षा लेंगे, और सुनो मेरी, तुम कितना कमाते होगे जो मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुमसे दावा रख लूंगा मैं भाई, मीडिया वाले हो या कोई भी हो या पत्रकार हो या कोई भी हो, मैं दावा रख सकता हूँ उसका, मेरे भाई के पंडोकर का सच्चा भक्त हूँ मैं, ऐसा नहीं हूँ, गाँव का बच्चा बच्चा भक्त है यहाँ का, इस तरीके से बात रखिए जहाँ जुड़े हैं हमारे हमारे खुद पंडोकर धाम में आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ के माध्यम से अच्छी बात है, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं है, हम किसी इष्ट को मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरे गलियाने लगे बड़ी बात है। वाला हूँ वो दिल्ली में, मैं भी बहुत जल्दी मीडिया पे आने वाला हूँ मेरे भाई, जाइए ना, कौन मना करता है, जाइए मीडिया पे, कौन मना कर रहा है? ओके भाई मेरे, लेकिन देखो मेरे भैया यार ऐसा नहीं करो, कोई भी पत्रकार हो आप कोई भी हो, पब्लिक को भड़काओ मत, पब्लिक को भड़काओगे फिर क्या करोगे तुम? कौन पब्लिक को भड़का रहे हैं? जैसे आप इधर फोन कर रहे हैं ऐसे उधर से लोग फोन करते हैं, यहाँ पर तो फोन को रिसीव किया जाता है, जो वो अपनी बात को रखना चाहते हैं इस माध्यम से, आपको रखना चाहिए। अब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं पत्रकार से, ये गलत तरीका होता है, जो लोग समाज के फोन करेंगे, जो चीज यहाँ फोन करेंगे उस चीज को रखा जाएगा भाई, ये चैनल चैनल पेपर इसीलिए होता है, क्या बोल रहे हैं भाई मेरे, ये चैनल पेपर इसीलिए होता है, ऐसा नहीं आपको किसी ने मना किया है, आपको आपको नहीं मना किया है, नहीं आपके तरफ के लोगों से मना किया है। मेरे पास एक दिल्ली का भी फोन आया था, जो पंडोकर धर्म नाम सरकार जुड़े हुए हैं, कल उनका इंटरव्यू चलाएंगे, आप कौन कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, जो मैं दावा दे सकता हूँ, यहाँ का बच्चा बच्चा दावा दे सकता नहीं है, बात समझने प्रयास करो, सुनो मेरी भैया, तो आप पत्रकार पंडोकर वाला है राहुल, मेरा नाम है राहुल केवल ढाबा वाला हूँ मैं, और मैं दो चार दिन में फेमस होने वाला हूँ, आपके पास जरूर आएगा, शकल देख लेना मेरा, जरूर फेमस होगी, आप शकल देख लेना मेरे भैया, मैं दो चार दस दिन में आने वाला हूँ, बस उस पर मीडिया पे देखना तुम क्या करते हो, यहाँ पर बच्चा बच्चा कहेगा वो पूरे गांव में घुमाऊंगा मैं, आराम से घुमाइए, बच्चा बच्चा कहेगा कि हाँ है कुछ चित्रकूट धाम है, पंडोकर धाम समझे, यहाँ पर कोई शक्तियाँ नहीं लगती है, अच्छी बात है, बोल रहे थे कि भाई तुमने ललकारा किसको था पता है तुम्हें, हनुमान जी महाराज को, किसने ललकारा था
नहीं तुम्हारे को गलतियाँ होगी ना, जी वाले जब तुम डाल रहे हो उल्टा सीधा बना बना के इसको डाल रहे हो उनका बाबा जी का, मेरे एक कम से एक घंटा तुम उन लोग रेस्ट खराब कर रहे हो, एक घंटा में वहाँ तुम ही लोगों से कितने रहते हैं मतलब क्या है आपको जो बात करनी है सुनो महाराज को, आपको जो बात करनी है वो शक्तिपति जी महाराज के लोगों से बात करिए ठीक है ना, उनके लिए आपको जो कहना है और इस पटेल के माध्यम से उनसे जो कहना है कहिए, मेरे से बात कर रहे हो भाई, मैं खुद ऐसा नहीं, आप बता दो कब करना है, वो मैं आने वाला हूँ दो चार दस दिन में मैं आने वाला हूँ, जहाँ जो जाना हो जहाँ करना हो करना, आपको जो बात रखनी है उस बात को रखिए, मेरे भाई ऐसा पैसा मत कमा तू भी यार मेरे भैया, ना कहीं एक्सीडेंट पे हो जाएगा भाई, ऐसा पैसा मत कमा, मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ये समाज के लोग हैं अपनी बात रखना चाहते हैं, उस बात को रखने का प्रयास किया जा रहा है रखा जा रहा है ये, और हमें कोई बुराई नहीं है किसी भी धर्म वाले से, किसी भी जगह कोई व्यक्ति बात करता है जो रखने लायक चीज है वो रखी जाती है, आपकी तरफ से जो लोग बात करना चाहते हैं उनका भी यहाँ स्वागत है ठीक है ना।